इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। सो उन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे BSE लिमिटेड के बारे में। BSE लिमिटेड की बात करें तो इन स्टॉक में जो मोमेंटम है, जो तेजी है, वो हमें रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि अगर हम आज के दिन के परफॉर्मेंस की भी बात करें तो लगभग 3.5% की तेजी, और साथ ही साथ आज के दिन स्टॉक ने फिर से 14 लगभग 16 के आसपास, शायद ऐसा ही कुछ होगा, या 70 के आसपास फिर से इतने बड़े टॉप हमें एक ऑल टाइम हाई आज के दिन भी हमें ये अचीव करते हुए देखने को मिला। पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो 9.5% की तेजी, एक मंथ में 4.5%, और 6 महीने की बात करें दोस्तों 200%। तो ऐसा ही होता है कि जब स्टॉक में तेजी आता है तो किसी को भी पता नहीं होता कि स्टॉक कहाँ तक भाग सकता है। मैंने खुद इसका टारगेट दिया था कि स्टॉक 1250 तक जा सकता है, उसके ऊपर तेजी दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, शायद से Q2 का सहारा चाहिए, लेकिन आप देख पाएंगे उसके बाद भी स्टॉक ने आज के दिन फिर से एक बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई लगा लिया। बट इस जो स्टॉक में डेली बेसिस पे आपको तेजी देखने को मिल रहा है, इसके बीच में छोटा छोटा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है। हाल ही में आपने देखा होगा जो बायबैक था जो उन्होंने दिया था, स्टॉक को एक अच्छा बूस्ट मिला, उसके बाद स्टॉक भागा, अच्छे खासे बाइंग देखने को मिला। फिर से जो बायबैक के प्राइस है, ऑब्वियसली पहले से हिट हो चुका है, जिनके चलते इसके जो बायबैक के प्राइस है और इंक्रीज उन्होंने कर दिया, जिनके चलते स्टॉक में और भी बाइंग आए। उसके बाद हाल ही में जो न्यूज़ आ रहा था कि जो हमारे ट्रेडिंग टाइम है 3:30 बजे तक बाजार ओपन रहता है, अगर हम FNO की बात करें तो वो भी, और अगर हम नॉर्मल इक्विटी की बात करें तो वो भी आने वाले टाइम में, ये प्रपोजल रखा गया है कि ये दोनों टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो नो डाउट जितने ज़्यादा मार्केट के टाइम में इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा टाइम, मान लो जो हमारे मार्केट है 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ओपन रहता है बाज़ार, एक नॉर्मल मार्केट की मैं बात करो, ये अगर दोस्तों 5 बजे तक कर दिया जाए, मतलब 9 बजे से 5 बजे तक, तो 5 बजे तक लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म में, ऑब्वियसली अगर आप किसी भी शेयर्स को बाय करते हो तो दो एक्सचेंज के थ्रू ही बाय करते हो, या तो NSE या तो BSE, तो ऑब्वियसली तो बाजार में जितने ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा ट्रेडिंग होगा, जितने ज़्यादा, और ट्रेडिंग आपको पता है एक्सचेंज के थ्रू ही आप कर पाओगे, या तो NSE या तो फिर BSE, क्योंकि दो ही एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड होता है, फिर शेयर लिस्टेड होता है। तो इन जितने भी एक्सचेंज वाली कंपनी, उनके अच्छे खासे बूस्ट मिलते हो देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो NSE तो बाजार में लिस्टेड है नहीं, तो BSE लिस्टेड है, इनके चलते हमें ये जो रिएक्शन है पॉजिटिव का, वो रिएक्शन हमें BSE लिमिटेड में देखने को मिल रही है। ये तो हो गया दूसरा न्यूज़। तीसरा न्यूज़ की बात करें जो कि 2 दिन पहले हमें आते हुए देखने को मिला था, अगर हम BSE लिमिटेड की बात करें, उनको तो पता है इनके अगर आप देखोगे तो करेंसी साथ एक शेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको इनके प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाती है आपको ट्रेड करने के लिए। हाल ही में इस कंपनी ने फिर से एक शानदार ऑप्शन लॉन्च किया जो कि WTI और जो ब्रेंट के क्रूड है दोस्तों, फ्यूचर की बात किया जा रहा है, वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म में आपको ट्रेड के हिसाब से फ्यूचर की बात करो, WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड, ये दोनों चीज़ें आपको फ्यूचर में आप भी फिर से जो BSE एक्सचेंज है इनमें भी आप ट्रेड कर, मतलब ट्रेड आप ट्रेड कर सकते हो। और ये जो ऑप्शन है ये आपको 9 अक्टूबर यानी कि कल के दिन से आपको ये स्टार्ट भी होते देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो, मतलब जो लोग चाहते हैं वो अभी सिर्फ स्टॉक को ही नहीं दोस्तों, उसके साथ साथ करेंसी को नहीं, उसके साथ साथ आपको WTI और ब्रेंट जो क्रूड के जो फ्यूचर होते हैं उनमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस ऑब्वियसली आपको पता है जितने ज़्यादा ये चीज़ें इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा ऐसी कंपनी को एक अच्छे खासा बूस्ट भी मिलते हुए देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इसी न्यूज़ के चलते स्टॉक आप देख पाएंगे लगातार आपको भागते हुए देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक कहाँ तक भागेगा वो किसी को नहीं पता होता, बट उस कंपनी के अंदर अगर दम होता है तो वो स्टॉक भागता ही आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हाँ ये चीज़ मैंने आपको ज़रूर कहा था कि जैसे ही वो 1000 को ब्रेक कर देगा उसके बाद एक बहुत बड़ी तेज़ी आप ज़रूर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, क्योंकि जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, देखो 52 वीक होता है, 1 वीक होता है, 1 मंथ होता है, 6 मंथ होता है, ये सारी चीज़ें होता है, बट जब एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एक बहुत बड़े बाइंग आता है, डिपेंड करता है वो फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम फंडामेंटली BSE की, मतलब BSE लिमिटेड की बात करें तो कमाल की कंपनी है, तो आज स्टॉक एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या खरीदें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको, जब ये स्टॉक 62% डाउन में था, मतलब 1000 के स्टॉक 500 तक, सेम चीज़ें कहा था कि एवरेज करना है, फ्रेज बैंक करना है, वो आपको पर है, बट एक ये स्टॉक और एक CDSL अगर किसी ने टॉप पे खरीदा, बस होल्ड कीजिए, आपका पैसा बनना तय है, मतलब फ्यूचर में ये पैसा आपको बना के ज़रूर दे देगा। तो आज आप देख पाएंगे जिन्होंने यहाँ पर भी खरीदा होगा और बस होल्ड किया होगा, आज भी उनके पैसे अच्छी खासी रिटर्न हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो BSE लिमिटेड बहुत ही कमाल की कंपनी है, लेकिन ब्लाइंडली मत खरीदना,
एकदम टॉप पे, तो नंबर देखना, या तो भी स्टॉक में कभी ना कभी एक्सक्यूज आ जाएगा, स्टॉक में एक अच्छे खासी गिरावट आ जाएगा, तब भी चाहो तो आप एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज Q2 के नंबर देखना, तब भी चाहो तब भी आप अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन कंपनी की बात करें, लॉन्ग टाइम रहे, बहुत ही शानदार कंपनी। देन बात करेंगे वैभव ग्लोबल लिमिटेड। सो वैभव ग्लोबल लिमिटेड की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करेंगे, बट उससे पहले आप देख पाएंगे आज के दिन एक अच्छे खासा हमें तेजी देखने को मिला, लगभग 5% की तेजी। सो वैभव ग्लोबल लिमिटेड की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले न्यूज़ की अगर हम बात करें, जो कि एज अ इन्वेस्टर अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इन सारे डेटा को दोस्तों तो आपको खुद से स्टडी करना आना चाहिए। सो वैभव ग्लोबल लिमिटेड के इस क्वार्टर के यानी कि सितंबर के जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमारे सामने अपडेट आ चुका है, तो उन चीज़ों को ही हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस जाना चाहिए सिर्फ वैभव ग्लोबल में नहीं, कोई भी कंपनी अगर आपके पास है तो अगर आप उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करते हो तो सबसे पहला फोकस जाना चाहिए प्रमोटर के ऊपर, क्योंकि प्रमोटर दोस्तों कंपनी के ओनर होता है और उन्हीं को सब कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। तो अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास कितने स्टेक थे, एक टाइम पे लगभग 58% थे, धीमे धीमे उन्होंने अच्छे खासा थोड़ा बहुत स्टेक बेचा। तो इस क्वार्टर में क्या उन्होंने चेंजेस किया, तो यस, जो लगातार हमें स्टेक वो बेचते जा रहा था तो इस क्वार्टर में भी थोड़ा सा स्टेक 0.09 के आसपास स्टेक, बहुत ही माइनस स्टेक हमें इस क्वार्टर में भी वैभव ग्लोबल लिमिटेड के प्रमोटर हमें बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ अगर हम एफ आई एस की बात करें तो एफ आई एस ने जो लगातार वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, तो इस क्वार्टर में भी थोड़ा सा स्टेक उन्होंने इंक्रीज़ किया, जो कि डी एस ने बेचा या फिर जो स्टेक पब्लिक ने बेचा या फिर जो स्टेक प्रमोटर ने बेचा, वो पूरा स्टेक दोस्तों और कोई नहीं, हमें एफ आई एस खरीदते हुए देखने को मिले। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जो वैभव ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो एफ आई एस के यानी कि फॉरन इन्वेस्टर के बहुत ही एक फेवरेट कंपनी है, चाहो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो कैसा रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न? सो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार की कंपनी है हमें ओके टाइप के बोल सकते हैं, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो प्रमोटर के पास ही मैक्सिमम शेयर है, वो भी 50% से ज़्यादा। तो इस बार की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, हमें ओके टाइप के देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है दोस्तों Q2 के रिजल्ट। तो पिछली बार आपने देखा होगा जो कंपनी ने Q1 के नंबर प्रेजेंट किया था, तो नंबर अगर आप रफली देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि नंबर में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, जो पिछले 2.5 साल से दिखाते आ रहे हैं 600-650 के सेल्स, सेम पिछले क्वार्टर में भी इसी प्रकार के नंबर दिखा है। तो इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल दोस्तों एक्सपेंस। सो एक्सपेंस को उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, जिनके चलते एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट उन्होंने दिखाया था। आप देख पाएंगे अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को भी देखोगे तो वो भी आप देख पाएंगे, नेट प्रॉफिट मतलब 20 करोड़ के 30 करोड़ और 23 करोड़ के 30 करोड़। तो एक बहुत ही शानदार भाई, एक अच्छे शानदार मतलब आप बोल सकते हो इनकम के हिसाब से देखोगे तो ओके था, बट अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से देखोगे एक्चुअल नंबर के हिसाब से तो वैभव ग्लोबल ने Q1 में एक अच्छे नंबर प्रेजेंट किया था एज अ प्रॉफिट के हिसाब से। तो ये चीज़ मैं आपको बता क्यों रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे वो नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किया था, जो 300 के लेवल कई टाइम से स्टॉक कंसोलिडेशन में था, वो इजीली ब्रेक करके 350 को ब्रेक करके 400 को ब्रेक करके स्टॉक ने कुछ ही टाइम के अंदर, जैसे जुलाई में कंपनी के नंबर है, स्टॉक ने सिर्फ 2 महीने के अंदर स्टॉक ने 50% के मोमेंटम दिखाया। और आज भी देखा जाए तो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरावट में, मतलब 60% तो इजीली देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार भी कंपनी के नंबर अगर थोड़ा बहुत अच्छे आ जाता है तो ये तेजी कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि स्टॉक अभी भी 400 के लेवल को वो होल्ड कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार के नंबर आ जाए और स्टॉक टॉप लेवल से इतना गिरावट में है तो ऑब्वियसली स्टॉक में बहुत बड़ी रैली भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री बताता है कि कंपनी के नंबर इसी प्रकार के आते हैं और स्टॉक के जो मूवमेंट है वो हमें इसी प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। 1997 की ये लिस्टिंग है, स्टॉक में गिरता भी उसी प्रकार के और भागता भी इसी प्रकार के। तो क्या इस बार कंपनी में इस प्रकार की तेजी आएगा, वो तो कंपनी के नंबर में पता चलेगा, जो कि 30 अक्टूबर को कंपनी की इसी मंथ को नंबर है। तो उम्मीद करेंगे कि नंबर कंपनी के अच्छे आ जाए और स्टॉक में बहुत बड़े तेजी आए, तो जो लोग यहाँ पे फंसे हैं वो यहाँ से मतलब चाहे तो वे एग्जिट हो सकता है। तो इतने का अगर आपको डिसीजन लेनी है तो प्लीज़ 30 अक्टूबर को नंबर देखना, उम्मीद करें कि नंबर इसी प्रकार के अच्छे आ जाए और तो स्टॉक में एक अच्छे खासी तेजी आए, जो लोग टॉप पे फंसे हैं वो थोड़ा बहुत अपने एग्जिट के बारे में विचार कर सकते हो। हाँ, किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो नंबर देखना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले सकते हो। देन आखिरी स्टॉक है हमारा दोस्तों एथॉस लिमिटेड। सो अगर हम इन स्टॉक की बात करें आज के दिन लगभग 101% की तेजी। सो स्टॉक की बात करें अभी बाजार में लिस्टेड हुआ, तो इस स्टॉक को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इन स्टॉक मतलब ये कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी, बहुत ही यूनिक टाइप की बिजनेस है, रिटेल सेगमेंट में काम करते हैं, तो आप चाहो तो इसको फोकस बना के रखना। 900 पे कवर किया था,
ऑलमोस्ट पैसे डबल हो चुका है सिर्फ कुछ ही मंथ के अंदर, साल भी नहीं, कुछ मंथ के अंदर। तो प्लीज़ इसके भी 2 दिन बाद नंबर आने वाले, नंबर देखना, इसको फोकस बना कर रखना। ऐसे कंपनी भी हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत होना चाहिए, भले ही 2 स्टॉक 10 स्टॉक क्यों ना हो, तो नंबर देखना। तो आप चाहो तो इसको भी अपना स्टडी कर सकते। देन आखिरी स्टॉक दोस्तों HP एडिसिव। सो आज के दिन के परफॉर्मेंस की भी बात करें तो लगभग 101% इस कंपनी की बात करें तो अभी अभी बाजार में लिस्टेड हुआ तब से एक OQQ टाइप के परफॉर्मेंस दिया, और ये जो पॉजिटिव तेजी देखने को मिल रहा है वो भी सिर्फ यहाँ से देखने को मिला। और उसके पीछे का रीज़न है कि 5 अक्टूबर को कंपनी ने 1:5 का अनाउंसमेंट किया, जिनके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिला। सो बेटे को